देखिए, आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। आज ही सरकार कृषि कानूनों को रद्द करने का बिल भी लाएगी। सरकार की कोशिश है कि शांति के साथ सत्र चले और उसके बिल पास हो जाएं। वहीं विपक्ष के लिए ये मौका देश के सामने सरकार को घेरने का है, इसलिए हंगामा होना बिल्कुल तय है। सवाल ये कि इस बार किसकी रणनीति काम करेगी। आज ही रद्द होंगे कृषि कानून? कितना हंगामेदार होगा सत्र? क्या शांति से चल पाएगी संसद? क्या विपक्ष सरकार को घेर पाएगा? देश की सबसे बड़ी पंचायत में ये सबसे बड़े सवाल हैं, जिनका जवाब आज मिलेगा। आज शीतकालीन सत्र में सभी की नजरें रहेंगी कृषि कानूनों की वापसी पर। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ये बिल संसद में रखेंगे। आज प्रश्नकाल के बाद ये बिल रखा जा सकता है। इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच तकरार देखने को मिल सकती है। वहीं बिल पर किसान संगठनों की भी निगाहें हैं, क्योंकि इसी के बाद वो अपना अगला रुख तय करेंगे। कमेटी तो 2011 में बन गई थी, प्रधानमंत्री उस कमेटी में थे, इन्होंने अपनी रिपोर्ट लागू करी थी। अपनी ही कमेटी को रिपोर्ट को लागू कर दें, एमएसपी पे कमेटी नहीं, एमएसपी को लागू करो। वैसे सत्र में सरकार करीब 30 विधेयक रखने जा रही है, लेकिन आर्थिक सुधारों से जुड़े कई विधेयक हैं जिन पर विवाद बढ़ सकता है, जैसे बिजली संशोधन विधेयक 2021, बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2021, पेंशन सुधार संबंधी PFRDA संशोधन विधेयक, दिवाला एवं शोधन अक्षमता दूसरा संशोधन विधेयक 2021 शामिल है। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, सकारात्मक बहस होनी चाहिए। और अपोजिशन से भी हमने अपील की है कि बहस आप करिए और हम सरकार की तरफ से हर मुद्दे पर चर्चा करके और आपको जवाब देना चाहते हैं। डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी पर बिल। क्रिप्टो करेंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक 2021 भी इसी सत्र में लाया जाएगा। बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर उपस्थित रहने को कहा है। हालांकि सत्र हंगामेदार रहेगा, इसका अंदाजा कल हुई सर्वदलीय बैठक में लग गया। बैठक के बाद कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक के दौरान MSP गारंटी का मुद्दा उठाए जाने की बात कही। MSP के बारे में एक कानून बनाना चाहिए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बैठक का बहिष्कार कर अपना एजेंडा साफ कर दिया। यहाँ पर ये हालत है कि किसी भी सदस्य को बोलने नहीं देते, किसी को अपनी बात रखने नहीं देते। मैं किसानों का मुद्दा उठा रहा था, मैंने साफ तौर पे कहा कि भाई MSP की गारंटी का कानून इसी सत्र में लेके आइए। ना पार्लियामेंट में बोलने देते हैं, ना आल पार्टी मीटिंग में बोलने देते हैं, तो ऐसी मीटिंग में रह के क्या फायदा है। सरकार को सबसे बड़ा डर ये है कि कहीं हंगामे की वजह से इस सत्र का हाल भी मॉनसून सत्र जैसा ना हो जाए, जो तकरीबन 25% ही चल पाया था। और सरकार नियम के अधीन जो कुछ भी चर्चा माननीय स्पीकर और माननीय चेयरमैन परमिट करते हैं, वो सब चर्चा के लिए सरकार तैयार है, लेकिन बिना डिसरप्शन सदन चले, सदन का कार्यवाही चले, यही हमने रिक्वेस्ट अपोजिशन से किया है। 5 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में संसद सत्र में हर पार्टी आक्रामक चेहरा वोटरों के सामने रखने की कोशिश करेगी, जिसका असर संसद के मुख्य काम यानी कानून बनाने पर पड़ता नजर आ सकता है। ABP News आपको रखे आगे।